देखिए, सबसे पहले तो बताओ कि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। सुबह हमने देखा कि स्कूल, कॉलेजेस, दुकानें, छोटे बच्चों के स्कूल सब खुल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब स्कूल खुल रहे हैं तो पेरेंट्स के बीच भी नॉर्मलसी दिखी। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल पहुंचाया और अब बाजार में नॉर्मल भीड़ हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई है, यानी शाही जामा मस्जिद के ठीक बैक गेट पर। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको जरूर शांति नजर आएगी, लेकिन शहर धीरे धीरे अब नॉर्मल हो चुका है और इस पूरे इलाके में पुलिस की अभी मौजूदगी है। दरअसल जो वीडियोस फुटेज पुलिस के पास हैं, जो 7 FIR दर्ज की गई हैं, उसमें अभी 25 गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन कई सारे अज्ञात लोग हैं, जिसमें एक FIR में 800, दूसरे में 600 से 700, इस तरीके से कई सारे अज्ञात लोग हैं और उनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। और ज्यादातर जो इलाके हैं, जो हिंदू खेड़ा पूरा है या फिर जहां पर हम मौजूद हैं, शाही जामा मस्जिद का इलाका, इस इलाके से ही पुलिस ज्यादातर लोगों की पहचान करके उनको पकड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की, तो जो हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि उनकी डायरेक्ट, अगर हम कहें कि ऑफिशियल अगर तरीके से नॉलेज में नहीं है कोई चीज, यानी किसी तरीके की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस इलाके में बिना इजाजत किसी को आने की अनुमति नहीं है। पुलिस का कहना है कि चूंकि इस हिंसा को, जो हंगामा शुरू हुआ था इस जगह से, इसको आगे नहीं बढ़ने देने की उनकी सबसे पहली कोशिश थी। जो सुबह 10:15 बजे के आसपास जब जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, तो इस इलाके में आप देखिए तस्वीरें उस वक्त की क्या थी, लेकिन हिंसा आगे न फैले इसकी पूरी कोशिश की गई थी। और जो हंगामा हुआ वो पुलिस और पब्लिक के एक पक्ष की तरफ से हुआ, यानी इसमें किसी तरीके का किसी और पक्ष की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल।